हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, तो SSC GD 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आई एम वेरी डिसअपॉइंट कि इसमें सिर्फ 39,481 पोस्ट है। बहुत दुख की बात है, इसमें भी आपके 10% अग्निवीर की रिजर्वेशन है, तो सिविल कैंडिडेट को कितनी सीट मिलेगा, यहाँ पर बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। और ये 39,000 पोस्ट काफ़ी नहीं है, जहाँ पर कभी 86,000 पोस्ट आता था, आज सिर्फ बच बच के सिर्फ 40,000 ही पोस्ट रह गए। बहुत दुख की बात है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन आपका ये रिलीज हो चुका है 5 सितंबर को, और एप्लीकेशन जो आपकी एक्सेप्ट होगा वो 5 सितंबर से आप अप्लाई करेंगे, यानी आपकी शुरू हो चुका है। 14 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर ये बंद हो जाएगा, इसलिए 14 अक्टूबर से पहले इसको अप्लाई कर देना है। पे स्केल आपका सेम 21,700 से 69,100, यानी आपके स्टार्टिंग पे लगभग 43 के आसपास चला जाएगा, 43,000 के आपके स्टार्टिंग पे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आपका कोई ये अग्निवीर स्कीम नहीं है, ये पूरा परमानेंट स्कीम है। और इसमें जो CAPFs में जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं इनकी पोस्ट है, मैं आगे जाके आपको बताता रहूँगा। थोड़ी इवेंट और डेट देख लीजिए। आपकी एप्लीकेशन 5 सितंबर को शुरू होगा, 14 को ख़त्म हो जाएगा, 15 को लास्ट फी जो 100 रुपये का शायद फीस है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, 15 तारीख को लास्ट है। उसके बाद एडिट, अगर फॉर्म में आपकी कोई करेक्शन है तो 5 से 7 नवंबर को इसको एडिट कर सकते हैं, और कलेक्शन विंडो खुल जाएगा, उसमें जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी अपडेट मैं दे दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर अगर आप मेंटरशिप लेके SSC GD तैयारी करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहिए हमारा, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर SSC GD। एग्जाम डेट आपका रहेगा January-February 2025। ठीक है, मतलब February 2025 में ही आपकी एग्ज़ाम होगा। SSC GD 2025 का जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 100 रुपया है फॉर जनरल कैंडिडेट, और जो SC ST ESM एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए फ्री है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है, पता नहीं हम लड़कों में क्या दिक्कत है गवर्नमेंट को। चलो, यहाँ पर वैकेंसीज जो है तो 18 से लेके 23 आपका रहेगा एज लिमिट रहेगा। जो आपकी कैंडिडेट है 2 तारीख जनवरी 2002 से पहले आपकी जन्मतिथि नहीं होना चाहिए, और 1-1-2007 के बाद आपकी जन्मतिथि, मतलब आप जन्म नहीं लेना चाहिए, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो SC ST और OBC कैंडिडेट है तो उनको 3 साल और 5 साल में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन आपका रहेगा 10th पास, और कुछ नहीं चाहिए आपके लिए। जो वैकेंसी की डिटेल्स आप देख सकते हैं, BSF में टोटल जो पोस्ट है आपका 13,306 पोस्ट लड़कों के लिए, CISF में 6,430, CRPF में 11,299। मैंने बोला था ना, जो BSF के और CRPF के जो नया यूनिट्स बनेंगे, मैंने एक महीने पहले ही आपको बताया था कि इनकी ज़्यादा पोस्ट आने वाला है SSC GD में। देखो आपके सामने क्लियर है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। SSB में 819, उसके बाद आपके ITBP में 2564, असम राइफल में 1148, SSF में 35, NCV में 11। ठीक है, उसके बाद आपका लड़कियों के लिए है अपना BSF में 2348, उसके बाद 715 CISF की, CRPF की 242, SSB में दिया ही नहीं, ITBP में 224, असम राइफल में 48, SSF और NCV में दिया ही नहीं इनको पोस्ट। अरे यार, NCV में दिया है 11, लेकिन SSF में दिया ही नहीं इनको लड़कियों को पोस्ट, देना चाहिए था यार, SSF अच्छा होता है, पता नहीं किस लिए नहीं दिया। तो टोटल वैकेंसी आपका होगा 39,481। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है आपकी एग्जाम पैटर्न, थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम पैटर्न है। आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4, यानी 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आएगा, जिसका 40 मार्क, यानी एक क्वेश्चन का 2 मार्क। जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन 40 मार्क, मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन 40 मार्क, इंग्लिश का 20 क्वेश्चन 40 मार्क, तो टोटल हो जाएगा आपका 80 क्वेश्चन और 160 मार्क। कितना, 80 क्वेश्चन, उसके मार्क्स हो जाएंगे 160। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए आपके होना चाहिए। जनरल SC और OBC कैंडिडेट के लिए, मेल के लिए 170 हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 157। चेस्ट ओनली मेल्स का नापा जाएगा, 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। ST कैंडिडेट के लिए मेल का 162 हाइट और फीमेल की 150 होगा, चल जाएगा। 76+5 एक्सपेंशन चाहिए ST कैंडिडेट की, ये सिर्फ ओनली मेल की होगा। उसके बाद रनिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, रिटिन के बाद आपको रेस्ट करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा मेल कैंडिडेट को, 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। वहीं पर फीमेल को 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा, मतलब 8.5 मिनट में। ठीक है,
उसके बाद 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट जो मेल मेंबर है वहाँ पर एसटी कैंडिडेट है, तो वहाँ पर आपकी जो फीमेल है वो 800 मीटर इन 5 मिनट्स यहाँ पर आपको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। और सॉरी, ये एसटी कैंडिडेट के लिए नहीं है, ये है आपकी जो हाइट वाला, जो जिसके घर में हाइट में रहता है ना, जो ऊंचाई में रहता है, जहाँ पर ऑक्सीजन कम है, मान लीजिए जो पहाड़ी इलाके के जो लड़का लड़कियाँ हैं उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा आपको आर्मी सर ऑफिशियल में, रात को ही डाल दिया था, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जाके कर लीजिए और पूरा नोटिफिकेशन वहाँ से देख सकते हैं। बाकी कौन कौन इसमें अप्लाई कर रहा है मुझे कॉमर्स सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।